अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बंद गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने ली है एक छोटी प्याज, जिसको मैंने बारीक से काट लिया है। इसको हम ऑयल में डाल देंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। प्याज आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी लेनी है। वेजिटेबल जो होती है उसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहिए, क्योंकि स्पाइसी बनाने से वेजिटेबल जो है वो बहुत मज़े की लगती है। तो अगर आप स्पाइसी बनाएंगे वेजिटेबल को, तो ये जो है आपकी बीफ और मटन की छुट्टी कर देगी। तो ये स्पाइसी बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से बनाइएगा, और जिस तरह से मैं इसमें जो मसाले ऐड करूँगी वो सारे मसाले आप इसमें ऐड करिएगा, तो आपकी जो है बंद गोभी बहुत मज़ेदार बनेगी। प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है। जब इस तरह से ब्राउन हो जाएगी तो इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो अदरक और लहसुन को आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको 2 मिनट के लिए अच्छा सा अदरक लहसुन को हम भून लेंगे। अदरक लहसुन को इसमें पकते हुए हो गए हैं 2 मिनट। अब इसमें डाल देंगे हम ये टमाटर, हरी मिर्ची जो बड़ी वाली होती है इनको हम फ्राई करते हैं वो हैं, और ये है शिमला मिर्ची, इनको मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया। इसी तरह से लंबाई में काटिएगा तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। हस्बैंड जायका नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने साबुत धनिया, जिसको मैंने रोस्ट कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको पाउडर बना लिया है। तो ये ज़रूर डाला करें, वेजिटेबल में बहुत प्यारी खुशबू आती है। 1 टीस्पून कुटी मिर्ची, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस सारे मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम केप लगा के रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो हल्दी की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो उसको रख देते हैं ढककर, और उसमें पानी नहीं डालेंगे हम, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे पकाना है आपको इसको। इस मसाले को यहाँ पकते हुए 10 मिनट हो गए, और इसको अब हम देखते हैं। तो जब इसको 10 मिनट हो जाएंगे इस तरह से और स्मेल जो ख़त्म हो जाएगी हल्दी की, तो इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस डाल देंगे इसमें। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस ज़रूर डालना चाहिए वेजिटेबल में, बहुत मज़े का लगता है, आप डालकर ज़रूर देखिएगा। 2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें हम सिरका, ताकि जो केबिज है वो अच्छे से पक जाए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम बारीक कटी हुई केबिज। आपको केबिज इतनी बारीक काटनी है जिस तरह से मैंने काटा है, ये देखिए बहुत प्यारी कटती है। इस तरह से लच्छे वाली काटनी है आपको, बहुत मोटी मोटी नहीं काटनी है, बहुत बारीक से काटनी है। अब इसको हम डाल देते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बंद गोभी को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद फिर मैंने इसको कटिंग की है। काटने के बाद मैंने इसको वॉश नहीं किया, क्योंकि इसमें पानी भर जाता है, इसलिए इसको काटने से पहले वॉश कर लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पर हम रख देंगे ढककर आधे घंटे के लिए, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आधे घंटे बाद इसको हम चेक करेंगे। केबिज को पकते हुए यहाँ आधा घंटा हो गया, इसको चेक कर लेते हैं हम। इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, क्योंकि ये पकने वाली है। बस इसको 10 मिनट के लिए और लाइट फ्लेम में पकने देंगे, फिर उसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। जिस तरीके से मैंने इसको रेडी किया है उसी तरीके से रेडी करिएगा, तो आपकी भी जो है बंद गोभी केबिज बहुत मज़े की लगेगी। तो इसको हम 10 मिनट के लिए केप लगा के रख देते हैं।
यहाँ कैबेज को पकते हुए 10 मिनट हो गए। अब फ्लेम को बंद कर देते हैं क्योंकि ये पक चुकी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो फ्लेम को बंद करके इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं मज़ेदार सी वेजिटेबल। फ्लेम को बंद कर दिया है, अब इसमें बारीक सा काट के डाल देते हैं हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इसमें और थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और डिश आउट करते हैं। अब इसको गरम गरम रोटी के साथ खाएं, आप इसको गरम पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। इसको आप नाश्ते में खाएंगे तो बहुत मज़े की लगती है वेजिटेबल। तो इसको हम डिश आउट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो छोटी सी है लेकिन बहुत मज़ेदार है, इसी तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से मैंने इसको रेडी करा है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप इस वेजिटेबल में मटर भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने इसको सिंपल बनाया है तो सिंपल बहुत मज़े की लगती है। तो चलती हूँ, फिर लेकर आती हूँ आपके लिए अच्छी सी वीडियो। जब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।